लोकसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन शनिवार को करने जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के सभी 80 सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू करते हुए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में जुट गई है। बात अगर शिराज़ ए हिंद की सरजमी जौनपुर की जाए तो भाजपा ने अपना प्रत्याशी महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाल शंकर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह को एक मामले में दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है और उनके जेल चले जाने से राजनीतिक सरगर्मी पूरे देश प्रदेश में बनी हुई है। जौनपुर जिले की दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ हमेशा मुकाबला भाजपा सपा व बीएसपी के बीच ही रहा है। यहाँ की राजनीति कितनी बदली है इस पर हमारे संवाददाता हसन कमर ने जिले के वरिष्ठ पत्रकारों से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा आइए देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन शनिवार को शाम को 3 बजे करेंगे और इस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं उसके लिए चुनाव कब होगा इसका ऐलान हो जाएगा। जो बात अगर हम जौनपुर कह रहे हैं तो इस जौनपुर को शिराज़ हिंद कहा गया, फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था। अगर आज़ादी के बाद से एक बात की जाए तो यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा रहा है। कांग्रेस के बाद जब देखा जाए तो यहाँ पे जनसंघ से राजा यादवेंद्र दुबे जी यहाँ पे चुनाव लड़ते थे और वो जीते थे, तब भारतीय जनता पार्टी का कोई ख़ास यहाँ पर रसूख नहीं था, कोई नाम नहीं था। और ऐसे में राजनीति दिन पर दिन बदलती गई और आज जो दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में वो चल रहा है मोदी युग और अमित शाह युग का। जिस तरीके से 2014 के बाद देश की राजनीति बदली, हाईटेक हो गई, आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, तो आपको जौनपुर के उन पत्रकारों से मिलाएंगे जिन्होंने तकरीबन 40 से 45 वर्ष अपना जो है इस ज़िले के लिए अपनी पत्रकारिता अपनी कलम के दम पर दिया है और हम लोग उनकी खबरों को पढ़ते थे देखते थे। उन्होंने बहुत करीब से जौनपुर की राजनीति को जाना है। ऐसे यहाँ पे जो धरोहर हमारे ज़िले की पत्रकारिता की हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे ही चर्चा करेंगे कि किस परिवेश में आप देख रहे हैं कि वर्तमान राजनीति जा रही है, तब में अब में क्या अंतर था। यहाँ पर सबसे बड़े कैलाश मिश्रा जी हैं, आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से राजनीति करवट ले रही है, पत्रकारिता आपने देखी है, कहाँ पा रहे हैं कि राजनीति कहाँ जा रही है? देखिए राजनीति पहले थी, इतना लोगों कार्यकर्ताओं में इतना सम्मान था, जनता इतना वर्क करती थी। अब जब से मोदी आए हैं, मोदी सिर्फ यही कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस देश खा गया। वो ये नहीं बताते 10 साल में मैं क्या किया हूँ। नेहरू देश खा गई, नेहरू खा गई, आपने क्या किया 10 साल में? एक कोई चीज़ बता दें 10 साल में उन्होंने जनहित में कोई काम किया हो। इस तरह से वो जनता में घर में खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाई कर रहे हैं। पहले जो मुद्दे होते थे आप बताइए क्या होते थे, आज क्या है? पहले विकास के मुद्दे होते थे, जनता कार्यों को अच्छे कार्यों करते थे, विकास कार्य होता था, गरीबी खत्म करने की योजना बनती थी, मिल फैक्ट्री कल कार्यालय खुलते थे, लोगों को रोजगार मिलता था। अब तो कुछ नहीं है। आपको बताएं कि यहाँ पे कमला सिंह जी सांसद हुआ करते थे और उन्होंने उस दौर में विकास की बहुत किया, लेकिन आज जो राजनीति एकदम उलट हो गई है, कोई ऐसे नेता नहीं आ रहे हैं कि जो जौनपुर के ख़ास तौर पे जो कि पर्यटन के यहाँ पे बहुत उत्सव हैं और बहुत से मौके हैं, नहीं हो पा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरा मानना है कि इसकी जिम्मेदार जो है हमारी जनता है। जनता जब चुनाव आ जाता है तो राजनैतिक रूप से अपने लाभ और हान को नहीं देखती, वो जात धर्म संप्रदाय में बट करके मतदान करती है और उसका दुष्परिणाम वही भोगती है और कोई दूसरा नहीं भोगता है। इसलिए कि सरकारें, एक ऐसा दल रहा कि जिसकी बहुत दिनों तक सरकारें रही उसकी चर्चा भी लोग करते हैं, विगत 10 वर्ष हो गया है जो वर्तमान सरकार है वो भी अपना, लेकिन बातें तो बहुत से बड़ी बड़ी होती हैं, कथनी और करनी में अंतर है। और अंतर ये है कि हमारा जनपद जब 1947 के बाद यहाँ कुछ चीज़ें ऐसे निर्माण हुई थी, पॉलिटेक्निक चौराहा के नाम से मशहूर है और वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ करता था। आज उस समय का दिन है आज का, हम मुझे याद है कि 84 की घटना थी या 80 के दशक में, वो हमारे जनपद के एक शतहरिया औद्योगिक क्षेत्र है और राजीव गांधी जी ने उसका उद्घाटन किया था और हम लोग उस समय छात्र जीवन में थे, मैं भी उस मीटिंग में गया था। उसके बाद से सरकार बदली, मुझे लगता है कि भाजपा की या विपक्ष किसी की सरकार आई थी, उसके बाद शतहरिया और डंप कर दिया गया। तो इस तरह, और देखिए अभी कुछ दिनों पहले हमारे नगर से एक विधायक हैं, हमारे प्रदेश के राज्य मंत्री जी भी हैं,
उनसे मैंने एक चर्चा किया था। हमारा ये अखड़ो घाट है, वहाँ एक पुल जो है अर्धनिर्मित पड़ा हुआ था, तो हम लोगों को जाना हुआ वहाँ। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा, माननीय मंत्री जी आपकी सरकार है तो सरकार तो किसी एक दल की नहीं होती, वो आम जन की होती है, तो क्या कोई काम अधूरा है तो नहीं होगा? अरे नहीं नहीं नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सब लोग अपनी फोटो खिंचाना, अपना नेम प्लेट लगाना, ये इसको प्रमुखता देते हैं। जनहित की बातें कम होती हैं, जनहित की बातें कम होती हैं, आप मानते हैं? क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय चुनाव लड़े थे, वो जौनपुर से वापस चले गए, और आपको भी वो किस्सा पता है, आपको मालूम है, यहाँ राजा यादवेंद्र दुबे जी सांसद विधायक हुए हैं। कैसे देख रहे हैं वर्तमान वर्तमान राजनीति, पहले की राजनीति और वर्तमान राजनीति में बहुत अंतर आ गया है। पहले के रोज लोग जो है सिद्धांतवादी हुआ करते थे, वो कहते थे कि रोजी मिले, रोटी मिले, नौकरी मिले, रोजगार मिले, कोई बेरोजगार न रहे। और इस समय जो एरा चल रहा है उसमें नौकरी तो उसी को मिल रही है जो ए श्रेणी का लड़का है, चाहे जिसका हो, जिस जात धर्म का हो। अभी उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, उस मेडिकल कॉलेज में 700 से अधिक लोग कर्मचारी जो है सोशल आउटसोर्सिंग पर रखे गए हैं। कोई 10,000 पा रहा है, कोई 11,000 पा रहा है, कोई 12,000 पा रहा है। यदि किसी दूसरे पार्टी की सरकार रही होती तो वही सब कर्मचारी सरकारी तौर पर नियुक्त होते, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे ड्यूटी रहती है, ये नहीं रहता कि वो 8 घंटे ड्यूटी करके घर चला जाए। मान लीजिए वही मेडिकल कॉलेज कल अस्पताल के रूप में परिवर्तित हो गया, जैसे PGI है, लखनऊ का है, आगरा का है, कानपुर का है, तो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के कर्मचारी कैसे काम करेंगे? और जिस विभाग में आप देखिए उसी विभाग में आउटसोर्सिंग पे रखे जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेरोजगारों के साथ जो है, नौजवानों के साथ ये सरकार जो है, नौकरी के मुद्दे पर तो नहीं है। बिल्कुल मानना, बिल्कुल। ये लोलारक दुबे जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, आप श्याम नारायण पांडे जी बताइए, क्योंकि आपने भी देखा है, खासतौर पर जनसंघ का भी दौर देखा है, भारतीय जनता पार्टी का, समाजवादी पार्टी का भी दौर देखा, तो राजनीति को वर्तमान में किस नज़रिए से आप देखते हैं? राजनीति में दो शब्द होते हैं, राज और नीति। नैतिकतापूर्ण जो आचरण होता था राजनीतिज्ञों का, वह नैतिकता निकाल दी गई है, सिर्फ राज कर रहे हैं, केवल राज कर रहे हैं। पहले की बात बताएं, आपने दीनदयाल जी के बारे में पूछा, दीनदयाल जी रिक्शे से जा रहे थे, यहाँ एक पकड़ी का चौराहा, वहाँ पकड़ी का पेड़ हुआ करता था, और राजदेव सिंह वहीं चौराहे पर बैठ करके जमीन पर एक ईटा था लग बना दिया था लोगों ने, वहाँ बैठ करके रिक्शेवानों से बात कर रहे थे, उन्हें से बीड़ी लेकर के पी रहे थे। लोगों ने कहा कि अध्यक्ष जी ये राजदेव सिंह यही हैं, उतरे, दोनों लोग मिले बड़े प्रेम से, और राजदेव सिंह से ही कहे दीनदयाल उपाध्याय जी कि मैं नहीं जी सकता आपसे, जो इतने पॉपुलर रिक्शावानों के बीच में है, मजदूरों के बीच में है, हम नहीं जी सकते। तो ऐसे नेता थे राजदेव सिंह, 6 साल उनको फ्रीडम मूवमेंट में कैद हुई थी, बड़े घर के लड़के थे, जमींदार थे, लेकिन उन्होंने लोगों के लिए जो भी हो सकता है, उस समय सरकार के पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन उनके यहाँ से कोई लौट करके वापस नहीं जाता था, असंतोष नहीं होता था। इसी प्रकार राजा जौनपुर थे, जनसंघ के, भाजपा के तो एक बार ही MP हुए, एक बार गठबंधन से हुए, और 4 बार जनसंघ से विधायक हुए। वहाँ भी बाढ़ आती थी तो वह गल्ला का गल्ला बंटवा देते थे अपने क्षेत्र में, गाना लोग बनाए थे, बढ़िया में क्यों नाई बल सहाय मोरे हरी के लाल, राजा का यह था। लेकिन वह क्यों था कि वह आम जनता से जुड़े हुए लोग थे, जनता को अपना, राजा साहब के पास एक, हम बहुत नज़दीक रहे हैं, उनके कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे हैं पत्रकारिता के, एक उनके पास रजिस्टर रहा, उसमें 500 लोगों का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा ये हमारे लोग हैं श्याम रायन, जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं। तो यह था जनता का और नेता का संबंध। आज क्या है? आज कुछ नहीं है। आज तो हमारे यहाँ हमारे वर्तमान सांसद हैं, हमारे यहाँ वोट पड़ने के पहले मुंबई के एक मुंबई से जनसत्ता निकलता था, वहाँ के रेजिडेंट एडिटर जो थे उनकी चिट्ठी लेकर के आए थे हमारे यहाँ, और जीतने के बाद फिर वो आदमी मिला नहीं हमसे अभी तक।
यह है, यही वजह है कि जौनपुर की राजनीति एकदम अलग रहती है। जैसा कि आपने बताया कि राजदेव सिंह जी यहाँ पे जब चुनाव लड़ रहे थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जो समान कार्यकर्ताओं समान लोगों के बीच में बैठ के जनता के बीच में रहता है, उसी को यहाँ के लोग अपना नेता मानते। और कुछ ऐसी ही छवि इस वक्त धनंजय सिंह की बनी हुई है, क्योंकि धनंजय सिंह को जिस वक्त जेल भेजा गया है, आप देखिए एक सिंपैथी लगी हुई है यहाँ पे, लोग कह रहे कि नहीं। तो राजनीति वर्तमान के साथ करवट लेती है। आप बात करेंगे खासतौर पर जैसा कि आप बताया शानदार भाई, क्या ऐसे नेता की कमी है? धनंजय सिंह इस पे खड़े उतर रहे थे। धनंजय सिंह दरअसल योगी आदित्यनाथ के दरबार में जिस तरह लोगों की सुनवाई होती है आम जनता की, मुझे लगता है उससे सीख लिए हैं, क्योंकि पहले भी जाते रहे हैं और इत्तेफाक से मैं किसी पोस्टिंग के दौरान खुद भी वहाँ देखा हूँ। और एक ऐसा मौका था जिसमें मुख्यमंत्री जो हैं महाराज जी दो दो तीन तीन हज़ार चार चार हज़ार लोगों से मिलते हैं, और वह फार्मूला उन्होंने लखनऊ राजधानी में भी अपनाया कि जो मांगने वाला जो समस्या बताने वाला है वो बैठा रहेगा खड़ा रहेगा। तो शायद वहीं से प्रेरित होकर के धनंजय, चाहे निषाद हो चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो, मैंने भेदभाव नहीं किया और कैसे भी करते हैं, आम जनता से जैसे भी जुड़ते हैं, इसका उन्हें एडवांटेज मिल भी रहा है। सजा हुई और पब्लिक वो तो ये नहीं बोले कि हाँ हम लड़ने ही जा रहे हैं और ये करेंगे, ऐसा कोई बयान दिया नहीं। तैयारी थी ये तय है, लेकिन आम जनता अगर उनके पक्ष में आम लोग बोल रहे हैं तो ये उनके प्रति सिंपैथी ही है। और बहुत सारे लोग तो कोर्ट के खिलाफ भी टिप्पणी या साजिश करार दे देते हैं, शायद अज्ञानता या कानून का न नियम हो। लेकिन एक चीज़ तो है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में भी एक जज ने इस्तीफा दे करके भाजपा ज्वाइन किया है, और भी कई जज हैं जो आ रहे हैं, तो इससे शंका को बल मिलता है। आप जौनपुर को किस नज़रिए, विकास से कहीं ना कहीं पिछड़ा जाता है क्यों, जबकि बड़े बड़े नाम यहाँ चुनाव लड़ते हैं? जौनपुर विकास में वो निजी इच्छा शक्ति पर है, प्रतिनिधियों के ऊपर निजी इच्छा शक्ति पर है, नहीं तो सरकार, अब भाई जौनपुर कैसे कहेंगे, जौनपुर के शहर के बीच से तो फोर लेन जा रहा है गोरखपुर और प्रयागराज का, तो ये भी तो विकास में आया। आपके बगल से शहर के बॉर्डर से फोर लेन लखनऊ बनारस है ही है, जा ही रहा है, तो बात विकास। बिजली है, इन्वर्टर का धंधा पूछिए कितना कम हो गया होगा, बिजली मिल रही है ना। तो ये पार्टी या प्रदेश सरकार या केंद्र पर ये आरोप लगाना बेकार है। बस ये है कि लोकल अगर प्रतिनिधि मजबूत होता है तो और खींच के ले आता है, जैसे हमारे वरिष्ठ साथियों ने कहा, खींच के ले आता है। आम जनता से जो जुड़ा रहेगा वही दूसरे को फाइट में मात देगा। और आम जनता के लिए ये नहीं कि व्यक्तिगत किसी हमारा या अनिल पांडे जी हैं या किसी का विकास कर दिया, बात उसकी नहीं है, एकदम रियल में आम जनता का सहयोग और उनके लिए, ताकि अगर किसी के दरवाजे के पास से सड़क बन रही है तो उसमें 10 दरवाजों से वो गुजरे तो सबका हुआ ना फायदा, ऐसा तो है नहीं किसी एक ही आदमी का हुआ। तो वो लोकल प्रतिनिधियों के ऊपर है, बाकी सरकारों ने तो किया ही है, कर दिया। जैसा कि कैलाश जी ने बताया कि सरकारों ने किया हमारे साथ, अंग्रेज़ी अखबार में कई लेख और अपनी पत्रकारिता के दम पर बहुत कुछ करने वाले अनिल पांडे जी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि कैलाश जी ने बताया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और केंद्र की जो सरकार प्रदेश काम करती है, लेकिन फिर भी पर्यटन यहाँ पर नहीं आते हैं, बनारस में आते हैं, अयोध्या जाते हैं, जौनपुर नहीं आते हैं। देखिए मैं कुछ कहूँ इसके पहले एक बात बताऊँ, 2014 के पहले देश में जनपद का निर्माण होता था, अब राजपथ का निर्माण हो रहा है। बहुत फर्क है, अगर इसको गहराई से प्रबुद्ध वर्ग सोचे और आम जनता सोचे तो इसका मायने बहुत बड़ा है। हम लोग राजपथ पे चलने के शौकीन नहीं हैं,
जनपद हो जहाँ के हम हर जगह आसानी से पहुँच सकें और अपनी बात कह सकें। जौनपुर की स्थिति है, पहले देखिए यहाँ पे जब पुराने एमपी रहे हैं, बाबू कमला सिंह थे, बाबू राजदेव सिंह थे, नागेश्वर द्विवेदी जी थे, राजा साहेब जौनपुर यादवेंद्र जी थे, इन लोगों ने किया। सतहरिया यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, राजीव गांधी के द्वारा किया गया था और हो रहा था कि लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोग वहाँ एम्प्लॉई होंगे। आज वो आंसू बहा रहा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के सांसद हों या विधायक हों, कभी किसी ने नहीं देखा। सरकारों ने भी 14 के बाद से डे बाई डे डिटोरिएट करते चली गई स्थितियाँ। जनता ये चाहती है कि ऐसा आदमी कोई हो जिसको कि हम कलाई पकड़ करके उससे अपनी बात कह सकें, अपने समस्याओं का निराकरण करा सकें। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो एक आदमी ने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ के कहा था कि नेहरू क्या इसी दिन के लिए हमने देश स्वतंत्र कराया है, तो उन्होंने कहा कि आज तुम प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ रहे हो, ये कम है। उन्होंने हंस के कहा था इस बात को और ये बहुत बड़ी बात थी। आज आम जनता की पहुंच ऐसे नेताओं के पास कहाँ होगी जो बाहर से एकाएक आयातित लगते हैं कि हम यहाँ उनको देख रहे हैं कि वो आयात होकर के आए हैं, और जो यहाँ रहा है उसकी छवि जो भी हो आम जनता ये भी देख रही है कि उसमें किसी में सजा नहीं आज तक हुई थी, ये पहली बार सजा हुई है इसमें, और उसमें संभावना बहुत सी हैं कि राहत भी मिल सकती है। तो अब जो देखते हैं, अच्छा उनको लगता है विकास की बात, अपने भी विकास की जनता देखती है तो लगता है कि हाँ इस आदमी से हम कह करके, इसका हाथ पकड़ करके हम अपना काम करवा सकते हैं, तो उसकी छवि निश्चित रूप से अच्छी मानी जाती है। बिल्कुल, ये थे अनिल पांडे जी, शशिकला सिन्हा जी हैं। आप बताइए कि कोई दल धनंजय सिंह को अपनी पार्टी में लेता क्यों नहीं, जबकि एक देखा जाए तो उनका जो अनुभव है राजनीति का और जनता उनके दीवानगी है, तो दल में क्यों नहीं उनको भी लेता? उसके लिए कि वो प्रयासरत थे, इसी बीच वो फैसला आ गया, हो सकता है आगे भविष्य में उनको मिलता चुनाव, अगर ये फैसला नहीं आता कोर्ट का तो ये तो नहीं कहा जाता नहीं दे रहा है, आगे उनको मिल सकता था राजनीतिक पार्टियों से, और अभी भी उम्मीद है कि अगर उनके परिवार का कोई आता है तो दल उनको टिकट दे सकता है। यहाँ पे आप बताइए कि पारसनाथ यादव जी इस दुनिया में नहीं है, केपी यादव जी में, तो समाजवादी पार्टी में कोई नेता ऐसा उभर क्यों नहीं पा रहा है जो कि देश की राजनीति में अपना नाम बनाए? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो दशा है इस समय, जातिवादी व्यवस्था में फंस कर रह गए। जैसे विधानसभा चुनाव देखा जाए, मड़ियाओं में मैं था प्रचार में, और वहाँ की दशा ये थी कि जो अखिलेश जी के साथ फ़ोटो या सेल्फी ले लेते थे और नारा लगा देते थे कि जवानी अखिलेश भैया तुम्हारे नाम, तो उन लोगों को भी विधानसभा का टिकट चाहने लगता था। तो दशा यह है कि आज के जो नए नेता हैं उनको टिकट मिल जाए, वो टिकट के लाइन में लग जाते थे, जो पुराने नेता हैं वो दूर हो जाते थे। तो यह स्थिति समाजवादी के देख कर लोगों ने धीरे धीरे वहाँ से दूरियाँ बना ली, और पारस और जो बड़े नेता थे उनको जाने के बाद हमें लगता है कि यहाँ की 2-3 सीट जो है वो समाजवादी की बाहुल है, अगर उसको हटा दिया जाए तो समाजवादी पार्टी का भी नाम लगभग समाप्ति की स्थिति में बनी हुई है। आप बताइए कि वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, ख़ासतौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे कि महाराष्ट्र से आए, लोकल स्तर पर कोई बड़े नेता और दल को मिल नहीं रहे, क्या वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बना करके एक तीर से दो निशाना चलाया है। पहला काम उसने ये किया है कि कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, प्रोफाइल थी, गृह राज्य मंत्री थे। दूसरा, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को साधने का काम किया है। अब इस जौनपुर की तासीर थोड़ा अलग है, अगर आप बात करते हैं तो अभी सिर्फ कृपा शंकर सिंह ही प्रत्याशी घोषित हुए हैं। अभी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी आने के बाद धनंजय सिंह की क्या स्थिति बनती है, उसके बाद यहाँ का समीकरण जो है बनता बिगड़ता दिखेगा। हालांकि जब तक प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी कि अब कयास नहीं लगाए जा सकते हैं। फिर भी देखिए, धनंजय सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान उसका उठाना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा जैसे बता रहे राजनीति में। और वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो जो चुनाव है वो घोषणा तो हो लगभग हो चुकी है, तो आप बताइए कि जौनपुर का जो मतदाता है वो किसको देख करके वोट देगा, क्या राष्ट्र को देख करके या स्थानीय मुद्दे को देख?
हमारे हिसाब से जो यहाँ का मतदाता है वो भी काफ़ी जागरूक है और राष्ट्रीय स्तर पे वो राष्ट्र को बढ़ता हुआ देखता है। जब राष्ट्र बढ़ेगा तभी जौनपुर का विकास हो पाएगा। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर को देखते हुए हम अगर वोट करेंगे तो जौनपुर का विकास हो पाएगा। और जो यहाँ के जिनको यहाँ पे अभी उम्मीदवार उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी से, तो वो चूँकि महाराष्ट्र की राजनीति में बराबर सक्रिय रहे हैं, हालांकि जौनपुर में खैर उनका है, लेकिन विकास की बात करेंगे तो विकास के लिए उनके उनको मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो उनको उनको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि पैसा बाहर से आए या सरकार से आए तो विकास करें। वो ऑलरेडी उद्योगपति हैं तो जौनपुर का विकास उनके आने से होगा, ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात ये भी कहेंगे कि जो बीच में एक नाम धनंजय सिंह का आ गया था उसको लेकर थोड़ा सा मामला गर्म जरूर हो गया था, वो जेल चले गए हैं, लेकिन अगर कोई उनके जगह चुनाव लड़ता है या उनकी तरफ से कोई लड़ता है तो मामला थोड़ा उनके लिए दिक्कत उत्पन्न होगा। क्या समाजवादी पार्टी को कोई नेता नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने? देखिए दीपू जी, आपको बता दें कि सभी पार्टियों में अगर देखा जाए तो एक पार्टी ने अपने पत्ते खोले हैं, अभी सभी ने पत्ते नहीं खोले हैं। सपा ने अपने किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, चाहे वो कांग्रेस हो वो भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, बसपा हो उसने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगर देखें सब जब चारों प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगा तो उसके बाद कुछ कहना सही माना जाएगा। अभी तक अगर देखा जाए तो धनंजय सिंह काफ़ी चर्चित नाम है, जो कि उनका नाम चला था और बीजेपी के कृपा शंकर सिंह को भी मैदान में उतारा गया है। तो धनंजय सिंह हालांकि जेल में चले गए हैं, लेकिन जनता की सिंपैथी जो है धनंजय के प्रति ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या धनंजय सिंह राजनीति का शिकार हो गए? देखिए, चूंकि चुनाव के मौके पर हुआ है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो है धनंजय सिंह राजनीति के शिकार हुए हैं। और निश्चित रूप से आज के डेट में जो देखा जा रहा है, यह आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि न्यायपालिका भी जो है बिल्कुल अविश्वसनीय हो गई है। और अभी जिस तरह के न्यायपालिका द्वारा फैसला आया है धनंजय सिंह को लेकर के, ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। कारण कि आज तक जहां तक मैं जानता हूं कि गवाह और वादी के ऊपर ही फैसला होता है, अगर वो मुकरते हैं तो न्याय का लाभ, मतलब कि जिसे संदेह का लाभ जो है आरोपी को मिलता है। और इस बार जो किया गया है यह जो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से राजनीति से इनको परे करने के लिए, दूर करने के लिए ऐसा किया गया है। इस नाते के आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि धनंजय सिंह जब भी चुनाव मैदान में रहेंगे तो बीजेपी उनसे काफ़ी दूर रह पाती है। मतलब वो चुनाव जीते न जीते एक अलग बात है, लेकिन धनंजय सिंह के चुनाव आने पर, मतलब चुनाव में आने पर बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पर चली जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ लोकतंत्र के जो चौथे स्तंभ जिले के हैं वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी राय बेबाकी से कि हर मुद्दे पर अपनी बात को रखा और चुनाव का बिगुल बिल्कुल बच चुका है। हम लोग यही निवेदन करेंगे कि आप एक अच्छी सरकार, एक अच्छे नेता को चुनने के लिए मतदान ज़रूर करें। जौनपुर की राजनीति किस करवट लेगी आगे समय समय पर आपको बताते रहेंगे। हसनैन खमर, सहारा समय, जौनपुर। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।